कुछ समय पूर्व महगांव के पचेरा गांव में पूर्व और वर्तमान सरपंच के बीच चुनाव को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें विवाद इतना बढ़ गया जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये घटना काफी संवेदनशील थी। आपको बता दें, मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी तो कुछ लोगों की जांच होनी बताई जा रही है। इस प्रकरण में कुल 19 आरोपी बनाए गए थे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आरोपियों की जमीन पटपड़ी थी, जिसमें आरोपी पक्ष के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमीन जुतवाने के लिए फरियाद लगाई थी, जिसमें कोर्ट के आदेश पर महगांव SDM विकास सिंह, महगांव SDOP दीपक सिंह तोमर, महगांव थाना प्रभारी OP मिश्रा, मय पुलिस फोर्स के पचेरा गांव में पहुंचकर उक्त जमीन को शांतिपूर्ण तरीके से जुतवाया गया। महगांव से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर SDM महगांव को आदेश हुआ था कि विवादित आराजी के संबंध में धारा 147 पर निर्णय करने के लिए, जिसमें धारा 147 में निर्णय किया गया था कि लोगों की भूमि पे फसल काटने नहीं दिया जा रहा और जोतने नहीं दिया जा रहा, तो उसमें SDM ने आदेश किया था कि फसल काटवाने में पुलिस मदद करे और फसल खेत को जोतने में सुरक्षा प्रदान की जाए। इनका प्रकरण चल रहा है, उसमें पहले से ही 302 के प्रकरण में चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, और उनको के तहत इसमें एक कार्रवाई हुई थी जिसके तहत 31/5 को आदेश हुआ था, और 31/5 के आदेश का प्लान में आज पूरी फोर्स आकर के खेत को जोतने का था। बता सर, जो आज पचेरा गांव में जो फोर्स गया था, किस चीज को लेकर फोर्स गया था? इस आवेदक संयम प्रसाद ने हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई थी कि उसकी जो खेत है और फसल है तो उसको जोतने और फसल काटने में समस्या आ रही थी, तो उसके संबंध में उसने पहले एक 145 CRPC का इस्तगासा SDM साहब के यहाँ प्रस्तुत किया था, तो हाईकोर्ट ने उसमें निर्देश दिए थे, तो SDM साहब ने डिसाइड किया था कि इनकी फसल और जो है खेत इनके हैं और अगर काटने जोतने में कोई समस्या आती है तो पुलिस को सूचना देंगे। फिर उन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई हुई थी, तो आज ये उपस्थित हुए थे फसल काटने और जोतने के संबंध में, फिर उन्होंने आवेदन दिया था, तो इसमें पुलिस व्यवस्था और राजस्व प्रशासन सभी लोग गए थे, तो उनकी जो फसल है तो फसल तो चूंकि पहले ही मार्च अप्रैल में आने का समय रहता है तो दाने झड़ चुके थे, बाकी फसल खड़ी हुई थी जो कि डंठल वगैरह थे सरसों के, और इन्होंने जोतने के संबंध में भी बताया था, तो उसमें आज सभी अमले ने वहाँ पर मौके पर इनको कब्जा और जो जोतने की कार्रवाई है वो कराई गई है। कौन लोग हैं सर जो इन्होंने पिटीशन लगाई है? ये इसमें करीबन कंटेम्प्ट पिटीशन में 7 लोग हैं और रिट पिटीशन में 8 लोग थे। संयम प्रसाद हैं, सचिन है, मिथिला त्यागी हैं, सरोज है, केदार हैं, रजय नारायण और राम सागर हैं। किस गांव का मामला है सर? ये पचेरा गांव का मामला है। क्या विवाद चल रहा था इनका? इनका पूर्व में एक यहाँ पर एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है 302 का, तो इसमें ये आरोपी पक्ष के रिश्तेदार हैं, तो इनकी जो भूमि का है अधिकार किसी जोतने और फसल काटने के संबंध में, इसमें उन्होंने हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की थी, तो उसी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में ये कार्रवाई की गई है। ठीक।